wrestling. It's considered as one of the most ancient and oldest sports in the world. A sport that has seen India produce some great athletes in recent years. And now, it's time for yet another man to scale new heights in the world of WWE. Meet Satender. From a very young age, he had passion for wrestling. And when you love wrestling, it's impossible for you to stay away from the world of WWE. मैं छोटा सा था, हमारे कजिन्स हैं, चाचा ताऊ के लड़के, वो करते थे रेसलिंग. फिर पहले मेरे दादाजी थे, वो भी बहुत अच्छे रेसलर थे लोकल अपने गांव के. तो चाहता था पहले से ही करना, तो बस घर वाले बल्कि शुरू में मना करते थे, लेकिन बाद में फिर वो भी मान गए. तो मेरा शुरू से ही मन था रेसलिंग करने के लिए. फिर मैं चंडीगढ़ गया था 2000 में, तो वहाँ से मेरी मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग शुरू हुई थी. Having spent most of his life in a single room, Satender had never dreamt of such an opportunity to arrive at his doorstep. But when it did, he grabbed it with both hands. जब वहाँ इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, कोई मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो इंटरव्यू के लिए ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंटरव्यू दो. तो उसके बाद ये था कि हाँ, मतलब अगर मेरे को मौका मिला है तो मैं ये कर सकता हूँ. उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया था. Standing at 6'4" and weighing 235 pounds, he is a decorated Indian wrestler who has won more than 100 accolades in his 15-year-long wrestling career. हिंद केसरी का टाइटल एक इंडिया में रेसलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे इंडिया में फर्स्ट आना हिंद केसरी फ्री स्टाइल हो जाता है वो. तो उसमें वो सबसे लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण था. So was he just lucky to get into the WWE? The answer is no. पहले ही जाते ही उन्होंने ये बोल दिया था कि मतलब आप ये मत सोचो कि हमने आपको सेलेक्ट करना है, हम अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे आपको यहाँ से निकालने की. तो देखते हैं कि कौन बचता है. तो मतलब 40-45 लड़के थे वहाँ पे कई कंट्रियों के. तो लास्ट वाले दिन, तीसरे दिन हम 12 या 13 लड़के रहे थे, बाकी सारे अपने आप ही अटके थे. पहले ही दिन लग गया था शाम को, जब मैं वापस होटल में आया तो चलना मुश्किल हो रहा था. उस टाइम तक चला नहीं जा रहा था मेरे से, क्योंकि स्क्वेट बहुत ज़्यादा लगवाई थी उन्होंने. तो बस उस टाइम ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड है, पता नहीं कल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. लेकिन बस फिर खुद को तैयार किया कि ये सिर्फ 3 दिन है और ये मेरा फ्यूचर और मेरी लाइफ, जो मैं चाहता हूँ, जो अपना नाम, अपने देश का नाम करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ. बस ये मेरे पास मौका है, फिर नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा. The man has had a humble beginning to both his life and professional wrestling. And all that Satender wants to do is to make his country proud and make his dream to make the best wrestling stadium in his village come true. We wish him best of luck and hope to see him in the ring as soon as possible.